पदं समादयामि शिखापदं समादयामि मूसावादावीरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेरमज्जे समादिथानावीरमणि शिखापदं समादयामि साधु 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 के बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि पंचम धम्मं साधु सुखदे संपादिते इनका रिकॉर्ड करना है महामंगल गाथा बोलिए तुम का रुको रुको हेलो हेलो पर्याप्त है सबके महामंगल गाथा मंगल गाथा में हमें 11 गाथाओं का समावेश मिलता है। भगवान बुद्ध संसार के अनमोल रत्न हैं। इसी प्रकार उनका धम्म और संघ भी समान रूप से संसार के सबसे अधिक मूल्यवान रत्न हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो महान मंगलकारी कार्य किए उन्हीं की पावन स्मृति के साथ समस्त लोक के मनुष्यों मनुष्य ही क्यों समस्त प्रकार के प्राणियों के मंगल व कल्याण की कामना की गई है। उसको पानी में पाठ करेंगे। इस गाथा में ऐसा नहीं है कि किसी के लिए विशेष कामना और किसी के लिए कम कामना की गई हो। यह बौद्ध धर्म और बुद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने मानव निर्मित समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके समता भाव स्थापित किया। और इसी समता के आधार पर सारे संसार में अपना आधार बनाया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की जितनी आवश्यकता प्राचीन काल में थी उससे कहीं अधिक आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। इन गाथाओं के माध्यम से प्राणी मात्र के हित सुख कल्याण मंगल की कामनाएं करके यह सदिच्छा से भी व्यक्त की गई है कि सभी प्रकार के उपद्रवों एवं आपदाओं से मुक्त हों। ऐसी सुंदर गाथाओं का बार बार पठन पाठन करने से व्यक्ति में सदकार्यों की ओर प्रवृत्त होने की भावना बलवती होती है। यह गाथा परित्राण पाठ की श्रेष्ठ गाथाओं में गिनी जाती है।